In this video, we will talk about 0.22 deluxe rifle, which is important for NCC B and C certificate examination. So let's begin. 0.22 rifle एक recoilless rifle है और cadets को training के दौरान fire का परिचय कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके कारण है कि ये जो rifles हैं ये retired rifles हैं from army और अब army इसका इस्तेमाल नहीं करती और अब ये NCC में training के दौरान use किए जाते हैं. दूसरा कारण है कि जो इनका recoil होता है वो बहुत कम होता है और ऐसे केस में जो shoulder की जो injury होती है उसके chances कम हो जाते हैं. तीसरा जो रीज़न है वो है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है और चौथा जो इससे नॉइज़ बनती है वो बहुत कम है. सो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं और इसीलिए इसे ज़्यादातर NCC ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है. पार्ट्स ऑफ 0.22 राइफल. 0.22 राइफल में मज़ल होता है, फोरसाइट होता है, फोरसाइट प्रोटेक्टर होता है, बैक साइट होता है, बैक साइट प्रोटेक्टर, बोल्ट होता है, सेफ्टी कैच होता है, स्मॉल ऑफ द बट या स्टॉक होता है, बट प्लेट होता है, स्लिंग करियर होता है, मैगजीन होता है, बैनट होता है, बैरल होता है, नॉब या बोल्ट हैंडल होता है, ट्रिगर एंड ट्रिगर गार्ड होता है एंड फुल स्टॉक होता है. तो आइए देखते हैं कि ये राइफल्स में कहाँ कहाँ पर होते हैं. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मज़ल है जो राइफल की बैरल के सबसे सिरे पे लगी हुई है. यहाँ पे फोरसाइट प्रोटेक्टर है जिसने फोरसाइट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बैक साइड प्रोटेक्टर है जिसने बैक साइड को प्रोटेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बोल्ट है. बोल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा इंटीरियर पार्ट है तो इसीलिए यहाँ पे इसे बनाया गया है. ये भी इनकम्प्लीट है तो कुछ पूरा ये इस तरीके का दिखता है. सेफ्टी कैच है. सेफ्टी कैच एक टाइप का लॉकिंग हैंडल टाइप का है जो एक्सीडेंटल फायर होने से बचाता है. स्मॉल ऑफ द बट, आप यहाँ पे एक पतला सा गर्दन टाइप का देख सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल ऑफ द बट. ये है आपके पास बट एंड दिस इज़ कॉल्ड बट प्लेट जो आप अपने कंधे से लगाते हैं फायरिंग के दौरान. सो दैट इज़ कॉल्ड बट प्लेट. आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिगर. ये है ट्रिगर गार्ड और ये है आपके पास मैगजीन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका नॉब या आप कह सकते हैं बोल्ट हैंडल एंड दिस इज़ योर बैनेट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बोल्ट हैंडल है एंड दिस इज़ योर बोल्ट. और इस बोल्ट को हम राइफल से कुछ इस तरीके से निकालते हैं. बोल्ट को पहले बैरल के 90 डिग्री पे लाते हैं और उसके बाद इसको पीछे की ओर पुश करके इसे राइफल से अलग करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं फोरसाइट. यहाँ पे आपको राइफल की फोरसाइट टिप दिखेगी और ये इसके अगल बगल से जो ये लगा है इसे कहते हैं हम फोरसाइट प्रोटेक्टर. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मेटलिक पिन टाइप का है दैट इज़ कॉल्ड फोरसाइट और इसको यू टाइप यू शेप के एक मेटलिक बॉडी ने कवर किया है दैट इज़ फोरसाइट कवर या फोरसाइट प्रोटेक्टर. और यहाँ पे बैक साइड है सिमिलरली एज फोरसाइट एंड इसका भी प्रोटेक्टर होता है और ये आपके पास फोरसाइट एंड प्रोटेक्टर. यहाँ पे आप M416 का एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये पीछे यू टाइप का जो ये है ये आपके पास है बैक साइड और जो आपके पास ये कुछ इस टाइप का है ये आपके पास फ्रंट साइड. तो जब आपको एम करना है तो आप बैक साइड और फ्रंट साइड को एक सीध में लाते हैं ताकि आपका जो एम है उसमें एक्यूरेसी अच्छी हो. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास है बट या इसे हम कहते हैं स्ट्रोक एंड दिस इज़ योर बट प्लेट. और यहाँ पे आपके पास है ट्रिगर एंड इसका ट्रिगर गार्ड. और इस पिक्चर में आप देख सकते राउंड लोड किया जा रहा है राइफल में. ओके, फीचर्स ऑफ 0.22 राइफल. सो फीचर्स में जाने से पहले आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जैसे कि एक पाउंड बराबर कितना होता है, एक फुट बराबर कितना होता है एंड एक यार्ड बराबर कितना होता है. सो वन पाउंड इज इक्वल टू 453.592 ग्राम्स, वन फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर एंड वन यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर. सो आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. सो कैलिबर की बात करें तो कैलिबर होता है
जो 0.22 राइफल का जो कैलिवर है वो है 0.22 मिलीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि राइफल के आगे से जो डिजिट लिखा रहता है दैट इज़ इट्स कैलिबर। सो 0.22 राइफल का कैलिबर हुआ 0.22 मिलीमीटर। जो इसका वेट है वो है 6 पाउंड। जो इसकी लेंथ है दैट इज़ 43 इंच। जो इसका इफेक्टिव रेंज है दैट इज़ 25 यार्ड्स। मैगजीन कैपेसिटी, इसकी मैगजीन कैपेसिटी है 5 राउंड। जो इसकी मजल वेलोसिटी है दैट इज़ 1030 फीट पर सेकेंड। और इसके रेट ऑफ फायर, ये दो टाइप के फायर देती है, एक है नॉर्मल और दूसरा है रैपिड। नॉर्मल में 5 राउंड पर मिनट जबकि रैपिड में 10 to 15 राउंड पर मिनट। और जिस कंट्री ने इसे बनाया या जिस कंट्री ने इसे मैन्युफैक्चर किया दैट इज़ यूगोस्लाविया। ओपनिंग ऑफ राइफल, तो अगर आपको राइफल को ओपन करना है तो आप उसे 4 स्टेप्स में ओपन करेंगे। पहले आप उसका बैनट हटाएंगे, फिर आप सीलिंग कड़ी को हटाएंगे, उसके बाद बोल्ट को हटाएंगे, एंड फाइनली द मैगजीन विल बी रिमूव्ड। ओके, और अगर आपको राइफल को क्लोज करना है तो इसका एकदम अपोजिट, यानी पहले आप मैगजीन चढ़ाएंगे, फिर बोल्ट, फिर सीलिंग, एंड फाइनली बैनेट को अटैच करेंगे राइफल के साथ। क्लीनिंग ऑफ राइफल, क्योंकि राइफल का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो मेटलिक होता है, तो टाइम टू टाइम राइफल को क्लीन करना ज़रूरी है। और राइफल को क्लीन करने के लिए जो मटेरियल्स या जो मेथड्स होते हैं वो हैं पुल थ्रू, वायर गॉज, ऑयल, चिंदी। चिंदी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक सफाई की चिंदी एंड दैट इज एंड वन इज तेल की चिंदी। फिलिंग राउंड्स इन मैगजीन, तो अगर आपको मैगजीन में राउंड्स फिल करने हैं तो उसका एक तरीका होता है, आप कैसे भी नहीं डाल सकते, एक तरीका होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से डाला गया है मैगजीन, डाउन अप एंड डाउन। ओके, अगर आप डाउन 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 डालते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी एम्यूनिशन है ये फंस जाए मैगजीन में या आपके राइफल में, और इससे आपका राइफल डैमेज हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक मैगजीन है और ये है मैगजीन की स्प्रिंग, जो ऑटोमेटिकली जो आपके बुलेट्स हैं मैगजीन में उसको राइफल में लोड कर देती हैं। कॉकिंग द राइफल, क्योंकि मेरे पास राइफल नहीं है तो मैं आपको राइफल को कॉक करके नहीं दिखा सकता, लेकिन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देखें। और थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।